ये कुछ भी नहीं करेंगे। ये जो 1.5 साल लगा के गए हैं ना पीटीआई को, तो बिल्कुल किनारे लगा के गए हैं इसी वजह से कि वो आगे ना आए, वो जीते ही ना। तो ये बाकी आपके शफा कुछ भी नहीं हो सकता। ये पीछे हमारे जो बैग जो तीर पड़ा हुआ है ना, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। बदनामी होती है हमारे मुल्क, उसका नाम ले दो। हाँ जी, उनको शर्म करनी चाहिए और उनको हया करनी चाहिए कि उनको सोचना चाहिए मुल्क के बारे में। हाँ जी, खड़े लाइन लगा दिया मुल्क, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। अस्सलाम वालेकुम, 66 न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबिया खान। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है और पीटीआई के मेंबर्स जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं और नॉमिनेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो उनसे नॉमिनेशन फॉर्म छीने जा रहे हैं और उसके साथ साथ उनके घरों पर भी रेड किया जा रहा है। तो आइए हम कुछ आवाम से जानते हैं कि क्या इस हालात में इंसाफ पर मबनी इलेक्शन हो सकते हैं। इंसाफ नहीं, ये इलेक्शन नहीं होगा, ये तो सिलेक्शन होगी। सबको पता है पहले कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, हर बंदा यही कह रहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, तो वो तो वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो कौन से इलेक्शन होने हैं? इन्हें चाहिए इलेक्शन ना कराएं, जो 90 अरब रुपया है वो जो है ना अवाम की फलाह बहबूद खरीदने वाला, इलेक्शन भी जैसी प्रैक्टिस पर खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुए हैं तो डंडी मारी गई, शफाफ इलेक्शन तो एक दफ़ा हुए हैं तो मुल्क दो लखता हो गया, तो दो टोटे हो गया था। उसके बाद 1970 के बाद आज तक जो है ना मुनसफाना इलेक्शन हुआ ही नहीं है। अब सिलेक्शन ही होगी, इलेक्शन की तो हमें कोई उम्मीद कोई नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि साफ शफाफ इलेक्शनों के हालात तो ऐसे चल रहे हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं, पर मुश्किल हो, मुझे नहीं लग रहा इस तरह है। जी नहीं नहीं, मुश्किल होंगे इलेक्शन। इलेक्शन हुए तो आप क्या कहते हैं, कौन सी पार्टी? पार्टी तो ज़ाहिर बात है जिसका अच्छा होगा सिस्टम, तो पौधा जिसने उगाया होगा उसी का पोजीशन उठाएगा। ज़ाहिर बात है कोई भी आ सकता है, नवाज शरीफ आ सकता है, पीटीआई आ सकती है, कोई भी आ सकता है। तो आपको पता है कि पीटीआई के किस तरह, मतलब आपको मैंने अभी बताया कि उनके घरों पर रेड किया जा रहा है, इसके अलावा उनसे नॉमिनेशन फॉर्म भी छीने जा रहे हैं, तो इस हालात में क्या कहेंगे? इस हालात में तो मुश्किल होंगे, इस हालात में नहीं लग रहा कि होंगे। जी जी नहीं होंगे। जी उम्मीद तो यही रखते हैं कि साफ शफाफ हो, लेकिन लग नहीं रहा है, इसलिए कि पहले जो इलेक्शन हुए हैं उससे यही लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है। आपको पता है कि पीटीआई की कितनी मुश्किलात हो रही हैं, उनको जो भी नॉमिनेशन फॉर्म वो ले रहे हैं उनसे छीने जा रहे हैं, इसके अलावा उनके घरों पर रेड किए जा रहे हैं, इस हालात में क्या कहेंगे? बस ये तो है, ये तो पिछले और पहले और पार्टियों के साथ हो रहा था, अभी इनके साथ हो रहा है, तो ये एक साइकिल चल रहा है। हमें खुद भी समझ नहीं आ रही क्या करें, ये चल रहा है। बस पहले उन लोगों के साथ हो रहा था तो ये इनको अच्छा कह रहे थे, अब इनके साथ हो रहे तो और लोग इसको अच्छा कह रहे, दोनों गलत है, दोनों के साथ गलत ज्यादती हुई है। अगर शफाफ इलेक्शन हुए तो वैसे लग तो पीटीआई रही है कि उनके ज़्यादा लोग है, लग तो यही रहे। देखें, जो साफ और शफाफ इलेक्शन की बात है ना, वो तो सदियों से हमारे मुल्क के अंदर नहीं हो रहे और अब भी नहीं होंगे। वो बेशक किसी की भी हुकूमत बने, आपको भी पता है कि वोट हम लोग शेर को देंगे निकलेगा बल्ले का, देंगे तीर को निकलेगा बल्ले का, उल्टा सीधा निज़ाम है। ठीक है, जिन जो अमेरिका ने कहना है, हम लोग क्योंकि ग़ुलाम है, हमारी पूरी कौम ग़ुलाम है और सदियों से हम लोग ग़ुलाम है। जो अमेरिका कहेगा, अमेरिका कहेगा जी नवाज शरीफ को हीरो बना दो, आज हमने सारों ने नवाज शरीफ को हीरो बनाया हुआ, कल तक नवाज शरीफ बुरा था आज अच्छा हो गया, आज इमरान खान बुरा कल वो अच्छा था। तो जो भी अमेरिका कहेगा वैसा होगा हमारे, हम जिसे दिल है वोट देते, हमारे वोट की वैल्यू खत्म हो चुकी है। जो बाहर से कहा जाएगा कि जी इसे करना है, हम लोग उसे ही वही इलेक्ट होकर वही वज़ीर आज़म बन जाएगा, हमारे यहाँ वोट की जो वैल्यू वो खत्म हो चुकी है। शफाफ इलेक्शन तो कभी भी नहीं हुआ है, इस तब भी कोई उम्मीद नहीं है हमें कि कोई साफ शफाफ इलेक्शन हो जाएगा। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क पर ऐसा वक्त आ जाए कि साफ शफाफ इलेक्शन हो और हमारे जो लोग हम भेजते हैं आगे पार्लियामेंट में, वो कौम और मुल्क के साथ मुखलिस हो। तो वैसे तो हमारे जो उम्र है, इस हिसाब से हमने जो हुकूमतें देखी उसमें तो जो हुकूमत गुजरी हो तो नवाज शरीफ की अच्छी गुजरी है, महंगाई के हवाले से। नहीं, साफ शफाफ इलेक्शन तो मुझे नहीं नज़र आ रहे पाकिस्तान में जो इस वक्त कंडीशन है। जिस तरह आप देखें कि एक पाकिस्तान का जो वकील है, क्या नाम है उसका, मरवत शेर मरवत, तो उसको भी यानी कि लाख इन्होंने जेल में डाल दिया, तो आम मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। मुझे तो नहीं लगता साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है ख़ास करके हमारे पंजाब में, तो मुझे तो नहीं लगता कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, बिल्कुल कर तो नहीं, इम्पॉसिबल है। हाँ, कोई मौजा हो जाए तो वो साइड, वो भी जानते हैं जो इलेक्शन कराएंगे, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनकी हिस्ट्री, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, वो जो वो कोई साफ शफाफ वाला है। और दूसरा ये जो
क्या कह रहे हैं इनके जो फंड शंड की जो हो रही थी वेरिफिकेशन, पार्टी फंड जो होता है, एक पार्टी के खिलाफ एक्शन ले लिया, बाकी नून और पीपी उसी में पड़े हुए हैं उनके पास पेंडिंग की। नो, आई एम नॉट एग्री के शफाफ इलेक्शन। जो इलेक्शन के बारे में आपने सवाल किया, पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो पीटीआई की लीडरशिप है ना, उसके बाद अभी जो लोग जिन लोगों को वो लोग सीट दे रहे हैं या जिन लोगों को टिकट दे रहे हैं, उसमें मैं इतना ही कहूँगा कि अभी जो मरवत साहब हैं उनकी, मतलब मैं ख़ुद पीटीआई का सपोर्टर हूँ, लेकिन मेरा इनसे गिला ये है कि मरवत साहब की इस कौम के लिए, इस माशरे के लिए उन्होंने ऐसा क्या किया है, सिर्फ एक सेंटेंस उन्होंने बोला कि प्रोग्राम बढ़ गया, और उसके बाद जो है मतलब हमारे कौम का आप ज़हनी शऊर देखें, उनकी सियासी फिक्र देखें, सोच देखें कि उनके वो इस लेवल पर कितने नीचे हैं कि वो सिर्फ इस बात पर एक बंदे को उठा रहे हैं कि प्रोग्राम तो बढ़ गया और उसको अपना लीडर मान रहे हैं। या तो आप इमरान खान को फॉलो करते, तो अगर उसकी सोच को फॉलो करते हो, उसकी फिक्र नज़रिए को फॉलो करते हो, तो फिर तो समझ आता है कि आप खुद आओ, आप खुद जो है इस कौम के भले बनो, इसके जो है मतलब स्ट्रक्चर को अपनाओ, एक सोच अपने अंदर पैदा करो। लेकिन अगर वो चीज़ें ये लोग नहीं कर सकते, फिर यही लोग आएंगे जो क्या कहते हैं ये जो वो हो रहा था प्रोग्राम, उसमें ये लोग बोलेंगे प्रोग्राम तो बढ़ गया और लोग उसको लीडर मान लेंगे। और जहाँ तक बात रही साफ और शफाफ इलेक्शन की, तो उस पर मैं इतना ही कहूँगा कि नो कमेंट्स, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्या चल रहा है और कौन चला रहा है और क्या होना है, और यहाँ पर बेसिकली वोटिंग नहीं होती, इलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन होती है, और सिलेक्शन कौन करता है? ये बगारत कुछ भी नहीं करेंगे, ये बगारत है। ये जो 1.5 साल लगा के गए हैं ना, ये पीटीआई को तो बिल्कुल किनारे लगा के गए हैं, इसी वजह से कि वो आगे ना आए, वो जीते ही ना। हाँ जी, तो ये बाकी आप कहें शफाफ कुछ भी नहीं हो सकता। ये पीछे हमारे जो बैग जो तीर पड़ा हुआ है ना, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, बदनामी होती है हमारे मुल्क की उसका नाम ले तो। हाँ जी, उनको शर्म करनी चाहिए और उनको हया करनी चाहिए कि उनको सोचना चाहिए मुल्क के बारे में। हाँ जी, खड़े लाइन लगा दिया मुल्क, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। हाँ जी, तो उनको कोई शर्म व हया नहीं है, उनको शर्म आनी चाहिए बस। नहीं होंगे इलेक्शन, इलेक्शन हुए भी तो सिलेक्शन होगी, इलेक्शन नहीं होगी वो उनकी सिलेक्शन हो रही है बस। देखें, जो साफ और शफाफ इलेक्शन की बात है ना, वो तो सदियों से हमारे मुल्क के अंदर नहीं हो रहे और अब भी नहीं होंगे। वो बेशक किसी की भी हुकूमत बने, आपको भी पता है कि वोट हम लोग शेर को देंगे निकलेगा बल्ले का, देंगे तीर को निकलेगा बल्ले का, उल्टा सीधा निज़ाम है। ठीक है, जिन जो अमेरिका ने कहना है, हम लोग क्योंकि गुलाम है, हमारी पूरी कौम गुलाम है और सदियों से हम लोग गुलाम है। जो अमेरिका कहेगा, अमेरिका कहेगा जी नवाज शरीफ को हीरो बना दो, आज हमने सारों ने नवाज शरीफ को हीरो बनाया हुआ है। कल तक नवाज शरीफ बुरा था, आज अच्छा हो गया, आज इमरान खान बुरा, कल वो अच्छा था। तो जो भी अमेरिका कहेगा वैसा होगा हमारे, हम जिसे दिल है वोट देते, हमारे वोट की वैल्यू खत्म हो चुकी है। जो बाहर से कहा जाएगा कि जी इसे करना है, हम लोग उसे ही वही इलेक्ट होकर वही वज़ीर आज़म बन जाएगा, हमारे यहाँ वोट की जो वैल्यू वो खत्म हो चुकी है।